तो स्वागत है दोस्तों, फिर से आकर मेरे स्यूड फ्रेंडशिप सिलेक्टर पर। हम यहाँ पर बात करें डर्बन सुपर जायंट्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच होने वाले आज के इस साउथ अफ्रीका टी20 लीग के मैच की, जिसमें कुछ प्लेयर तो अब फिलहाल अनअवेलेबल हैं जो कि जा चुके हैं आईएल टी20 खेलने, लेकिन जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर क्या प्लेइंग 11 बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और उस प्लेइंग 11 के अंदर जब हम अपनी टीम सेलेक्ट करना शुरू करेंगे किसी भी फैंटेसी ऐप पर, तो विकेट कीपिंग सेक्शन के, बैटिंग सेक्शन के, ऑलराउंडर या बॉलिंग सेक्शन के ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको लोगों ने टोटल इग्नोर किया है इवन परफॉर्मेंस करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि लोग भेड़ चाल में जाते हैं और लोग बड़े बड़े नामों को अपने टीम में सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी टीम बनाते हैं एक्चुअली हर बार। जैसे जूनियर डाला का ऑप्शन आपको मैं दूंगा आज के इस मैच में, जो कि आज के मैच में खेलेंगे भी। अभी पिछले ही मैच में उन्होंने शानदार बॉलिंग की है और उस मैच के अंदर भी मैंने जूनियर डाला के बारे में बताया था कि वो 100% परफॉर्म करके देगा प्लेयर, कम से कम 2 विकेट निकाल करके देगा अगर खेलता है तो, जो कि उन्होंने किया भी। और एक्चुअली कितनी विकेटें निकाली वो आगे आपको बताऊंगा। तो इस एक एग्जाम्पल को देखते हुए इस तरीके के और भी जो प्लेयर्स होंगे उनके बारे में समझ करके आपको मैं टिप्स ऐसी बताऊंगा कि अपनी ग्रैंड लीग की टीम, स्मॉल लीग की टीम आप खुद से बना पाएंगे। लेकिन दोनों टीमों की थोड़ी सी स्थिति को भी देखें, सिचुएशन को भी देखें कि इस टूर्नामेंट के अंदर है कैसी एक्चुअली। तो जो डर्बन सुपर जायंट्स की टीम है ये अभी तक 3-4 मैचेस खेल करके 3 मैचेस जीती है, केवल 1 हारी है। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम की, जिनके कप्तान है आइडन मार्करम, ये टीम 3 मैचेस खेली है, 1 इनका बारिश में धुल गया था और बाकी के 2 मैचेस में से 1 जीता है और 1 हारा है। और एक्चुअली जो 1 मैच इन्होंने हारा है वो इसी डर्बन सुपर जायंट्स के ही खिलाफ, उस मैच को इन्होंने हारा था, वो भी अपने होम ग्राउंड पर। और आज का तो जो मैच है वो डर्बन सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड पर है, डर्बन के मैदान पर, किंग्स मीड में। तो किस तरीके की पिच रिपोर्ट है, कैसी कंडीशंस वहां पर बन सकती है और उन कंडीशंस के बेसिस पर हमारी टीम कैसी बनेगी, उसी के लिए पूरी एनालिसिस इस वीडियो के अंदर होगी। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जो कि 20 जनवरी का मैच है, शाम को 5 बजे भारत के समय के हिसाब से डबल हेडर होगा आज, 2 मैचेस होंगे। तो उसका यह पहला मैच है जो कि किंग्स मीड डर्बन के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर अगर आप देखें मैदान के बारे में तो साउथ अफ्रीका की जो विकेट है किंग्स मीड डर्बन का, ये पेस और बाउंस अच्छी खासी यहां पर ऑफर करती है किसी भी बैटर के लिए, बॉलर के लिए भी। और चूंकि पेस और बाउंस यहां पर अच्छे होते हैं तो रन्स भी यहां पर बनते हैं, खास करके पहली इनिंग में। और जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगी, ये वैसे तो अगर आप देखें तो पिच अच्छी होती चली जाती है बैटर्स के लिए, लेकिन अब चूंकि यहां पर बैक टू बैक मैचेस खेले जा रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर पिच भी थोड़ी सी वेयर एंड टेयर आएगी, तो सेकंड इनिंग में रन बनाना एक्चुअली उतना आसान यहां पर होगा भी नहीं। और खास करके ये देखते हुए कि जो दोनों टीमों के पास बॉलिंग अटैक है उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन सी ऐसी टीम आज के मैच में होगी जो शायद सेकंड इनिंग में बॉलिंग करें तो अपने स्कोर को डिफेंड कर जाए, लेकिन वहीं एक ऐसी टीम भी है जो कि सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो शायद अपने स्कोर को डिफेंड ना कर पाए, तो उसको समझेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई भी टीम यहां पर पहले फील्डिंग करना प्रेफर करेगी आज के इस मैच में, शुरुआती फायदे को उठाने के लिए, जो इनिशियल ओवर में यहां पर मूवमेंट मिलती है तेज गेंदबाजों को। और अभी पिछले जो 5 मैचेस इस ग्राउंड के ऊपर खेले जा चुके हैं जिसमें से 2 मैचेस तो इसी सीजन में खेले गए हैं, यही जो चल रहा है फिलहाल, इसमें जो है 2 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो वो मैच हुआ था पहला वाला MICT यानी कि मुंबई इंडियंस केप टाउन और डर्बन सुपर जायंट्स के बीच में, जहां पर MICT की टीम ने पहले 207 रन बना दिए बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर, लेकिन वो स्कोर भी उनका डिफेंड नहीं हो पाया। डर्बन सुपर जायंट्स की टीम ने 16 ओवर में 177 रन बना दिए थे, उसके बाद बारिश आई, मैच रुक गया और डकवर्थ लुईस के हिसाब से डर्बन सुपर जायंट्स की टीम ने उस मैच को जीत लिया। और यहां पर पहली इनिंग में 4 विकेट पेस को, 1 विकेट स्पिन को मिली और सेकंड इनिंग में भी 5 विकेट पेस को और 1 विकेट स्पिन को मिली, तो विकेट तो उतनी ज्यादा नहीं गिरी लेकिन जो विकेटें मिली वो पेसर्स को ज्यादा मिली। इसके बाद डर्बन सुपर जायंट्स और यहां पर जो बर्ग सुपर किंग्स के बीच में एक मैच हुआ और यहां पर देखें तो डर्बन सुपर जायंट्स की टीम में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई और जो यूज किया गया विकेट था, जिस विकेट पर ये वाला मैच हुआ था उसी विकेट पर ये मैच हुआ। एक बार फिर से यहां पर पहली इनिंग में केवल 145 रन बने 8 विकेट पर, और जो आपको मैं बता रहा था कि कौन सी विकेट यूज होगी, यूज की गई विकेट या कोई फ्रेश विकेट, उसका भी बड़ा रोल होता है। तो स्कोर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ड्रॉप यहां पर आया, 145 रन बने 8 विकेट पर, जहां पर 6 विकेट पेस लेकर गया, 2 विकेट स्पिन, और सेकंड इनिंग में जब DSG की टीम चेस कर रही थी तो उसको तो 108 के स्कोर पर उन्होंने रोक दिया, जहां पर 6 विकेट पेस को गई, 3 स्पिन को। तो साफ साफ एक बात तो क्लियर है कि विकेट कौन सी यूज की जाएगी, कोई फ्रेश विकेट होगी या जिन विकेट पर ये दोनों मैचेस खेले गए वही होगा, उसी के हिसाब से हमारी फाइनल टीम तय भी होगी और वही काफी हद तक तय भी करेगी कौन सी टीम आज के मैच में जीतेगी और क्या यहां पर फैसला होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा समझना, और उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर करूंगा, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, कैसे करना वो आगे बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा भी 3 और मैचेस यहां पर खेले गए हैं, उसमें क्या स्टोरी रही है पहली इनिंग सेकंड इनिंग में उसको आप खुद से खुद देख सकते हैं यहां पर। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन दोनों मैचेस का पर्टिकुलर तो आपको मैंने इंडिविजुअली बता दिया अलग अलग किस इनिंग में क्या हुआ, लेकिन टोटल ओवरऑल इन 5 मैच में 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। स्पिन और पेस में से स्पिन को मिली है 17 विकेटें 5 पहली इनिंग में, 12 सेकंड इनिंग में, और पेस को मिली है 49 विकेटें 29 पहली इनिंग में, 12 सेकंड इनिंग में। तो अगर आप दोनों आंकड़े मिला लें तो एक्चुअली दोनों ही इनिंग्स में लगभग लगभग एक मात्रा में विकेटें गिरती हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर्स
और पहले इनिंग में पेसर्स यहां पर गेम में रहते हैं, बैटर्स भी गेम में रहते हैं, बशर्ते कि विकेट कोई फ्रेश वाली विकेट हो, ना कि यूज की गई विकेट, क्योंकि रिसेंट टाइम में देखा यही गया है कि साउथ अफ्रीका में जो विकेटें बनती हैं वो काफी हद तक स्लो इन द नेचर और काफी हद तक ब्रेक भी हुई होती है, तो कि स्पिनर को मदद करती है। तो इस सभी चीज को समझते हुए जो हमारी फाइनल टीम बनेगी वो तो आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा ही, इसको जाकर के ज्वाइन जरूर करिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको मैंने दे दिया। ध्यान रखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो आपको मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम के चैनल को, उसी से ज्वाइन करिएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। उसको क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए और नीचे के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको मैं लगभग हर वीडियो में बता रहा हूं, कुछ कमेंट भी मेरे पास आए थे, मैसेजेस आए थे कि बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से पैसे ले लिए कुछ लोगों से टीम देने के लिए और फिर उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जबकि इस चैनल पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पब्लिक चैनल है और इस पर जाकर के आप ज्वाइन करेंगे तो सारे फ्री टीमें ही आपको मिलेंगी, एक भी ऐसा टीम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जहां पर पेड ऐसा कुछ हो। तो इसको जाकर के ज्वाइन करिएगा, लेकिन कहां से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट पे जो लिंक दे रखा है वहीं से, और कोई भी रास्ता नहीं इसको ज्वाइन करने का। बाकी और कहीं आप ज्वाइन हो गए हैं फंस रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, बाकी यहीं पर आपको मैं सारे फर्दर अपडेट्स बताऊंगा पिच के बारे में कि कौन सी विकेट यूज होगी आज के मैच में, कैसा मौसम होगा, मौसम के बारे में वहीं पर बताऊंगा, अभी बताने का कोई जरूरत है नहीं। बाकी टॉस का अपडेट, बैटिंग ऑर्डर सब कुछ वहां पर प्रोवाइड करूंगा, फाइनल टीम तो दूंगा ही। इस वीडियो पे 1000 लाइक्स पूरे होते हैं तो 6 ग्रैंड लीग की टीम वो भी आपको इस वीडियो के अंदर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। फिलहाल हम आ चुके हैं स्क्वाड की तरफ और स्क्वाड में सबसे पहले देखेंगे डर्बन सुपर जायंट्स का वो स्क्वाड जो कि अभी तक काफी टॉप परफॉर्मर टीम के रूप में दिखाई पड़ी है। पिछले मैच में उन्होंने कुछ गलतियां की, शुरुआती ओवर्स में कुछ खराब निर्णय लिए इनके कप्तान ने बॉलिंग कराने के, खास करके वहां पर इन्होंने मार्कस स्टोनिस से शुरुआती ओवर में बॉलिंग करा दिया, खुद केशव महाराज भी पहला ओवर करने आ गए थे और इन दोनों के सामने बैटर कौन थे, फिलिप सार थे, विल जैक्स थे, जो कि स्पिन भी ठीक खेलते हैं, पेस भी अच्छा खेलते हैं, विकेट भी बैटिंग वाली थी, अच्छा बाउंस था, उन्होंने छक्के पे छक्के उड़ाए, खूब जम के छक्के उड़ाए। हालांकि बाद में इन्होंने काफी कंट्रोल कर लिया स्कोर को, क्योंकि वहां पर कौन थे, जूनियर डाला पहली बार खेले थे और चार ओवर की पूरी बॉलिंग भी की थी, बेहतरीन बॉलिंग की, शुरुआत में मांगे रहे, इवन रीस्टोपली शुरुआत में खूब जमकर पिटाई हुई दोनों की, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने स्कोर को काफी कंट्रोल किया और एक बार लग रहा था कि सामने की टीम जबकि 250 के आसपास का स्कोर बना देगी, तब इन्होंने 200 के आसपास उनको रोक दिया, तो 50 रन कम पे ही उन्होंने रोक दिया स्कोर को। तो उस तरीके की बॉलिंग इस टीम के पास है जो कि काफी हद तक बाद में जाकर के बेहतर कर जाती है, और मुझे लगता नहीं कि इस बार गलती करेंगे। मार्कस टोनिस ने भी 4 ओवर किए थे पूरे पिछले वाले मैच में, विकेट भी एक लिया था, केशव महाराज ने 3 ओवर किए थे, ड्वेन पिटोरियस ने 3 ओवर किए थे, 2 ओवर की बॉलिंग की थी कीमो पॉल ने, और बाकी बैटिंग ऑर्डर में काइल मेयर्स खिलाए गए थे पिछले वाले मैच में और इनके आते ही ऑफ स्पिनर उन्होंने डाल दिया सामने वाली टीम ने, और ऑफ स्पिनर डाल दिया विल जैक्स ना करके इनको आउट कर दिया, और पता नहीं कि उनको लोग खिलाते भी हैं। बाकी मैथ्यू ब्रिट्स की ये भी राइट हैंडेड बैटर है, बाकी क्विंटन डिकॉक नंबर 3 पर है पिछले मैच में लेकिन एक बार फिर से फ्लॉप हुए, बाकी हेनरिक क्लासन है ये भी पिछले मैच में नहीं चल पाए, विल जैक्स ने इनको आउट कर दिया था, बाकी जे स्मर्ट्स को नंबर 5 पर भेजा गया, ठीक ठाक बैटिंग की, राइट हैंडेड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर। अब चूंकि इन्होंने मार्कस टोनिस को भी खिला लिया था, साथ ही साथ केशव महाराज खुद भी थे, बॉलिंग ऑप्शंस काफी सारे थे, क्यूमो पॉल से 2 ओवर करा दिया तो जे स्मर्ट्स को बॉलिंग मिली नहीं, तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन कई सारे थे, लेकिन आज का विकेट, आज के मैच का जो विकेट होगा, अगर यूज किया गया विकेट होगा तो वहां पर जे स्मर्ट एक बार फिर से बॉलिंग करते आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टीम इनके पिछले मैच में थी, बाकी रिचर्ड ग्लीसन ये अब अवेलेबल नहीं है, ये आपको मैं कंफर्म बता रहा हूं, ये जा चुके हैं, बाकी नूर अहमद और नवीनुल हक के भी अभी कोई चांसेस नहीं है खेलने के, बाकी देखना पड़ेगा, जो अपडेट होगा आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम पर। और इसमें से केशव महाराज आपको पावर प्ले में जैसे मैंने आपको बताया बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़े थे पिछले मैच में, जो कि मुझे लगता नहीं कि इस बार फिर से गलती करेंगे, हालांकि अभी सामने की टीम को भी थोड़ा सा एनालाइज करके समझेंगे। बाकी मार्कस टोनिस ने 2 ओवर रिस्टोपली ने 1 ओवर, जूनियर डाला ने पिछले मैच में किया था पावर प्ले के अंदर, और डेथ में 2 ओवर रिस्टोपली के, 2 ओवर ऐसे जूनियर डाला किया और 1 ओवर था मार्कस टोनिस का, और तीनों ही बॉलर काफी इंपॉर्टेंट आज के इस मैच पर रहने वाले हैं। और प्लेयर सिलेक्शन के हिसाब से देखेंगे कि किसको लोगों ने किस हिसाब से अपनी टीम में सिलेक्ट कर रखा है, तो रीस टोपली तो सभी की टीम में रहने वाले हैं आज के इस मैच में भी, और रीस टोपली को लेना भी पड़ेगा आपको, जिस तरीके के वो कमाल के बॉलर हैं, विकेटें निकालते हैं पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगहों पर, तो ये आपकी टीम में रहेंगे। केशव महाराज थोड़ा सा उतना नहीं लेकिन फिर भी इक्वल लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है अपनी टीम में, ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज नहीं है, ड्वेन पिटोरियस के साथ सभी लोग जाने वाले हैं, मार्कस स्टोनिस को भी 100-100 लोगों ने टीम में लिया है, सभी लोगों ने नहीं लिया, 50-50 चांसेज इनके रहेंगे, हेनरिक क्लासन के साथ सभी लोग जाएंगे, क्विंटन डिकॉक को भी थोड़ा सा सिलेक्शन परसेंटेज कम ही मिला है ब्रिट्स की, और काइल मेयर्स में से ब्रिट्स के साथ भी काफी ठीक ठाक लोग जाने वाले हैं, लेकिन जो आज के मैच के डिफरेंशियल प्लेयर्स होंगे, अगर कोई फ्रेश विकेट मिलती है और अभी हम सामने की टीम को भी एनालाइज करेंगे, तो काइल मेयर्स के साथ कोई नहीं जाने वाला आज के मैच में, ज्यादातर लोग नहीं लेंगे टीम में, इसके अलावा जे स्मर्ट्स को भी सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कमी हो जाएगा पिछले मैच परफॉर्मेंस के हिसाब से, और बाकी बॉलर्स में बात करें तो जूनियर डाला को तो केवल 10% लोगों ने पिक किया है, बेहतरीन बॉलिंग की थी, इवन केशव महाराज ये भी एक अच्छा डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। तो ये सारे जो प्लेयर हैं
जिनको लोगों ने पिक नहीं किया टीम में, उसके आगे आप नंबर्स देखेंगे और इनिंग के हिसाब से एनालिसिस देखें तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या उनको लेना चाहिए और लेना चाहिए तो किस इनिंग में लेना चाहिए, वो समझ में आ जाएगा। तो ये डर्बन सुपर जायंट्स की टीम थी, इसको ध्यान से सुनिएगा, बाकी आगे दूसरी टीम को भी एनालाइज करेंगे हम। और ध्यान रखिए, इस टीम के पास टॉप ऑर्डर पर अगर सेम प्लेइंग 11 खेलते हैं तो दो लेफ्ट हैंडर्स आपको दिखाई पड़ेंगे और उनके सामने, उन लेफ्ट हैंडर्स के सामने क्या इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि कोई ऑफ स्पिनर सीधे सीधे प्लेइंग 11 में आकर के पावर प्ले में आकर के बॉलिंग करे? तो बिल्कुल है। एक तो खुद साइमन हार्मर है जो कि दो ओवर कराए करते दिखाई पड़े थे पिछले मैच में, हालांकि ये पावर प्ले में बॉलिंग ज़्यादा करते नहीं है, तो करेगा कोई तो वो है कप्तान आइडन मार्करम जो कि सीधे सीधे आएंगे पावर प्ले में। पिछले मैच में भी दो ओवर की बॉलिंग इन्होंने की थी। और इनकी खुद की जो टीम है, जॉर्डन हार्मन एक लेफ्ट हैंडर है, एक लेफ्ट हैंडर डेविड मलान है, उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, टॉम एबल, और जो सामने की टीम है डर्बन सुपर जायंट्स की टीम, अगर उसको आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ में आएगा कि उनके पास कोई ऑफ स्पिनर है या नहीं, तो वो आप समझ लेंगे। तो इसी वजह से वीडियो को देखना पूरा जरूरी है। और इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स इसी वजह से आज के इस मैच में बहुत जरूरी हो जाते हैं, किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, ये एक तगड़े डिफेंसर प्लेयर आज के इस मैच में होंगे स्मॉल लीग के लिए। इवन ऊपर से देखा तो जॉर्डन हार्मन जिन्होंने सेंचुरी लगाई पिछले मैच में, फिर भी इनको केवल 50% लोगों ने पिक किया है। टॉम एबल, इनका पहला मैच बहुत कमाल का गया था, नंबर 3 पर बैटिंग किए थे, ये भी एक डिफरेंशियल प्लेयर रहेंगे आज के इस मैच के। मार्को एंसन तो सबके टीम में रहेंगे, पैट्रिक क्रूगर जो कि बॉलिंग तो नहीं करते हुए दिखाई पड़े थे, मार्को एंसन ने 4 ओवर पूरे किए थे पिछले मैच में, लियम डॉसन ने पूरे 4 ओवर किए थे पिछले मैच में, 2 ओवर की बॉलिंग की थी साइमन हार्बर ने, 4 ओवर किए थे डैनियल वोराल ने, इनको भी लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया है जबकि बॉलर बहुत अच्छे हैं, और ओटनिल बाटमन को भी लोगों ने बिल्कुल ही अपनी टीम में पिक नहीं किया है जबकि पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे और एक बड़े अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन ये भी रहेंगे, क्यों आगे आप उसको भी बताऊंगा। बाकी पावर प्ले के दौरान आइडन मार्करम के 2 ओवर, मार्को एंसन के 1, 1 लियम डॉसन के 2, डैनी वोराल के आएंगे, मार्को एंसन का 2 ओवर आएगा डेथ में भी, 1 ओवर डैनियल वोराल का और 2 ओवर आएंगे बाटमैन के। तो ये तीनों में से अगर आप देखें तो मार्को एंसन के साथ तो सभी गए हैं, लेकिन डैनी वोराल और ओटनिल बाटमैन को लोगों ने टोटली इग्नोर कर रखा है जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करेंगे। और बाकी आपके आगे आपके सामने है बेंच, उनके भी प्लेयर्स को आप देख करके रखिए, आगे उनके बारे में भी बताऊंगा तो आपको पता चल पाएगा कि कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्टैट्स की। तो स्टैट्स की तरफ अगर आप आए तो सबसे पहले डर्बन सुपर जायंट्स की टीम है, इनके प्लेयर्स का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा रीसेंट फॉर्म के, किस तरीके की परफॉर्मेंस इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर की है और इस टूर्नामेंट के पहले की है, यानी कि पिछले 5-6 मैचेस के नंबर्स आप इनके देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा इनिंग के हिसाब से एनालिसिस, यहाँ पर आप डिसाइड कर पाएंगे पिच को ध्यान में रखते हुए। ध्यान रखिएगा पिच रिपोर्ट आपको मैंने दिया क्या है, और ये भी बता रखा है कि टेलीग्राम पर जो पिच रिपोर्ट दूंगा उसको भी काफ़ी ध्यान से आपको सुनना होगा कि यूज किया गया विकेट है या कोई फ्रेश विकेट है, उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी चीज़ें, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस इनिंग के लिए कौन सा प्लेयर बेहतर होगा। काइल मेयर्स जो कि केवल 11 रन बनाकर के आउट हो गए पिछले मैच, उसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, ये जब बैटिंग करते हैं तो पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज और सेकेंड इनिंग का बैटिंग एवरेज लगभग एक जैसा होता है, हालांकि ये बॉलिंग भी करते हैं। सेकेंड इनिंग में इनको 15 गेंदें लगती हैं एक विकेट निकालने में T20s में, पहली इनिंग में 35 गेंदें लगती हैं, तो पहली इनिंग के सेकेंड इनिंग के बॉलर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई एज अ बॉलर ट्राई किया भी जाएगा। लेकिन आगे बढ़ें, अगर हम बात करें मैथ्यू ब्रिट्स की तो इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं फिलहाल के लिए, 33-13, 23-39, तो लगातार अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं। पहली इनिंग में इनका बैटिंग एवरेज ज़्यादा बेहतर है 43 का, और सेकेंड इनिंग में तो आधा हो जाता है केवल 21 का, तो पहली इनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन है। बाकी क्विंटन डिकॉक जो अभी बहुत अच्छे और या बुरे फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल, लंबे समय से वर्ल्ड कप से ही फिलहाल, और इनका देखा तो बैटिंग एवरेज एक ही जैसा है, लेकिन उसके बाद हेनरिक क्लासेन पिछले मैच में एक रेयर फेलियर आई, उसके पहले 2 बड़ी कमाल की पारी इन्होंने खेली थी अपनी टीम के लिए, 46 का एवरेज है पहली इनिंग का, 33 का सेकेंड इनिंग का। और सभी जानते हैं कि एशिया के बाहर कोई टीम अगर है जिसका प्लेयर स्पिन सबसे अच्छा खेलता है हेनरिक क्लासेन, तो स्लो विकेट भी होगी अगर आज के मैच में, जैसा कि इसी ग्राउंड के ऊपर जो सेकंड मैच खेला गया था डर्बन सुपर जायंट्स की टीम का, जहां पर इन्होंने खुद 145 रन बनाए थे, उसमें हेनरिक क्लासेन का बहुत बड़ा योगदान था। उसी मैच में इन्होंने 64 रन की ये पारी खेली थी, और ऐसी पारी रही थी जो कि सिंगल हैंडेड अपनी टीम को जितवा गई, 145 या 140 प्लस के स्कोर में 64 रन इनके अकेले थे। तो हेनरिक क्लासेन का क्या योगदान रहता है आप समझिए। बाकी जेजे स्मर्ट्स 6 रन 1 विकेट, 75 रन 2 विकेट और 27 रन की पारी पिछले मैच में, इनका करियर एवरेज पहली इनिंग का 34, पहली इनिंग का सेकेंड इनिंग का 25, तो पहली इनिंग के बेहतर बैटर हैं और बॉलर ये सेकेंड इनिंग के बेहतर है, जहां पर 16 गेंदें लगती हैं एक विकेट निकालने में, सेकेंड इनिंग में पहली इनिंग में इनको 32 गेंदें लग जाती हैं। तो पहली इनिंग के बैटर सेकेंड इनिंग के बॉलर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। बाकी मार्कस स्टोनिस ने 13 रन बनाए एक विकेट लिया पिछले ही मैच में, BBL खेल करके यहाँ पर पहुँचे थे, करियर एवरेज और बैटिंग बॉलिंग स्ट्राइक रेट दोनों का एक ही जैसा होता है दोनों इनिंग में। ड्वेन प्रिटोरियस अभी तक के 3 मैच में अगर आप देखें या 4 मैच बेसिकली, तो 5 विकेटें ले चुके हैं। बाकी करियर स्ट्राइक रेट देखें बॉलिंग का तो 16 गेंदें लगती हैं सेकेंड इनिंग में, पहली इनिंग में 19 गेंदें एक विकेट निकालने में। इसके अलावा कीमो पॉल है, इनका देख लीजिए, केशव महाराज का खास करके देखिए, बल्ले से रन और बॉलिंग से विकेटें, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, और सेकेंड इनिंग की बॉलिंग बेहतर होती है। जूनियर डाला
दो विकेट लेकर के गए थे पिछले मैच में, शुरुआत में पिटाई हुई थी, लेकिन इनका मैंने आपको प्रेडिक्शन किया था पिछले ही मैच में जो डर्बन सुपर जायंट्स की टीम का था, और काफ़ी अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमारा हुआ भी था कि जूनियर डल अगर खेलेंगे तो इनको 100% ना सिर्फ टीम में रखना है, बल्कि ये भी मैंने आपको कहा था कि दो विकेट तो कम से कम लेके जाएंगे, वो इन्होंने किया। बाकी चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, लगभग एक जैसी बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। बाकी रीस टोपली पिछले दो मैच में 3-3 विकेट हैं, पहली इनिंग के बेहतर बॉलर है, सेकेंड इनिंग के भी अच्छे बॉलर हैं लेकिन पहली इनिंग के कहीं बेहतर। इसके बाद प्रेमलाल सुब्रायन है, रिचर्ड ग्रीसन जो कि अब नहीं खेलेंगे, वीएन मुल्डर, भानुका राजपक्षा और यहाँ पर ब्राइस पार्सन्स, इनके भी नंबर्स आप इनिंग के हिसाब से एनालिसिस और साथ ही साथ किस तरीके का फॉर्म है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू स्टैट वो आपके सामने है डर्बन सुपर जायंट्स के प्लेयर्स का, और आपको पता ही है इस सीजन में भी दोनों टीमें आपस में एक मैच खेल चुके, तो उसको लेकर के अगर आप देखें तो काइल मेयर्स का जो पिछला मैच 11 रन एक विकेट इसी टीम के खिलाफ, 3 मैच में 78 रन एक विकेट इस मैदान पर है। मैथ्यू ब्रिट्सकी के नंबर भी काफ़ी एवरेज है, लेकिन इस मैदान पर 7 मैच 105 रन है तो जरूर, लेकिन 35 का जो एवरेज आपको दिखाई पड़ रहा है ये बताता है कि 3 ही बार आउट हुए हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर इन्होंने नीचे बैटिंग की है। डिकॉक के नंबर्स भी हेड टू हेड में तो बहुत ही खराब है, वेन्यू पर तो काफ़ी अच्छे हैं, 37 का एवरेज है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हेनरिक क्लासेन, इनके आंकड़े भी हेड टू हेड में बहुत खराब है, वेन्यू पर फिर भी ठीक है। जेजे स्मर्ट्स, इनके नंबर एक मैच में 75 रन दो विकेट जो कि इसी सीजन में, और बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो 29 का एवरेज 10 विकेट हैं इस मैदान पर। इसके बाद मार्कस स्टोनिस का देख लीजिए, सिर्फ वेन्यू स्टैट मिलेगा, बाकी प्रेटोरियस का 3 हेड टू हेड में जो 3 विकेट इस मैदान पर कुछ खास अच्छे आंकड़े हैं नहीं, बाकी कीमो पॉल के भी नंबर कुछ खास अच्छे नहीं है, केशव महाराज के तो बहुत ही खराब है, हालांकि इनका होम ग्राउंड है एक तरह से, तो 51 मैच में यहाँ पर 48 विकेट लेकर के इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया। बाकी जूनियर डल का हेड टू हेड में पहला मैच होगा, वेन्यू पर 7 मैच में 7 विकेट हैं, रीस टोपली के आंकड़े अच्छे हैं। इसके बाद प्रेमलाल सुब्रायन जो कि हेड टू हेड में तो कुछ खास नहीं किया है, इस मैदान पर 38 मैच में 31 विकेट हैं। रिचर्ड ग्लिसन के आंकड़े अच्छे थे लेकिन ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने समझा कि हेड टू हेड में और वेन्यू पर कौन सा प्लेयर ऐसा है जो कि नोटिसेबल रहता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो टीम है यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न की, इनके प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म देखने की कोशिश करें तो वो भी अब आपके सामने है। रिसेंट फॉर्म के साथ साथ यहाँ पर आपके सामने करियर एवरेज है पहली इनिंग सेकेंड इनिंग का। तो जॉर्डन हरमन जो पहले मैच में तो नहीं चले थे, दूसरे मैच में सेंचुरी लगा दी, शानदार लेफ्ट हैंडर बैटर हैं। इसके अलावा अगर आप इनका करियर देखें तो पहली इनिंग में 44 के एवरेज से रन बनाते हैं, सेकेंड इनिंग में 18 का एवरेज, तो पहली इनिंग के कमाल के बैटर हैं। बाकी डेविड मिलर ने भी हाफ सेंचुरी लगाई थी, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थे वर्ल्ड कप में, 32 का एवरेज पहली इनिंग का, 30 का सेकेंड इनिंग का, तो पहली इनिंग के बेहतर बैटर हैं, हालांकि सेकेंड इनिंग का एवरेज भी काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। टॉम एबल जिनको पहले मैच में नंबर 3 पर बैटिंग कराया तो इन्होंने 65 रन बना दिया, अगले मैच में इनको डिमोट कर दिया गया बैटिंग ऑर्डर में, और जबरदस्त फॉर्म में है भी, करियर एवरेजिंग का सेकेंड इनिंग का बेहतर होता है पहली इनिंग से। इसके बाद यहाँ पर आइडन मार्करम का भी आप देख सकते हैं, उसी तरह से मार्को एंसन, ट्रिस्टन स्टब जो कि अभी तक एक हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, 55 और 11 की दो पारी खेल चुके हैं। मार्को एंसन एक विकेट लिया केवल दो मैच में, और जब T20s में बॉलिंग करते हैं इनको 22 गेंदें लगती हैं, दोनों ही इनिंग्स में एक एक विकेट निकाले, तो T20 को उतने बेहतर बॉलर दिखते नहीं। बाकी नीचे लियम डॉसन है, दोनों मैच में एक विकेट है, सेकेंड इनिंग पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट देखी जैसा है। बाकी साइमन हार्मर को अभी तक विकेट मिला नहीं है, डैनियल बराल को 3 विकेटें मिली है जिनको लोगों ने टीम में पिक नहीं किया है, और ये पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट और सेकेंड इनिंग का स्ट्राइक रेट देखें तो उतना बेहतर है नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। बाकी ओटनिल बाटमर अभी पिछले ही मैच में 3 विकेट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इनको भी लोगों ने इग्नोर कर रखा है। पहली इनिंग में देखिए कमाल का स्ट्राइक रेट है केवल 9 का, 9 गेंदें लगती हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में 18 गेंदें लग जाती हैं। और एडम रोजिंगटन है, बेयन सेनपाइल है, बाकी सैरल इरवी, टिम्बा बोमा और कैलेब सेलिका के भी नंबर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, सब कुछ आपके सामने, चाहे तो वीडियो को रोक लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हेड टू हेड और वेन्यू स्टैट्स की बात कर लें तो वो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के जो प्लेयर्स हैं जब डर्बन सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हैं तो उसमें जॉर्डन हवर्न के 3 मैच में 62 रन ठीक ठाक से नंबर्स है, टॉम एबल ने जो पहला इस मैच इस सीजन का हाफ सेंचुरी लगाया था वो इसी टीम के खिलाफ लगाया था, तो नंबर्स इनके भी अच्छे हैं। लेकिन वेन्यू पर देखें तो हरमन के भी और यहाँ पर एक एक मैचेस खेले हैं मलान भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं, वहीं आइडन मार्करम के नंबर भी काफ़ी एवरेज दिखाई पड़ेंगे, ट्रिस्टन स्टब्स के भी, लेकिन आज के इस मैच में इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये जो 55 का हाईएस्ट स्कोर इनका है वो इसी मैच में जहाँ पर 65 रन बना था टॉम एबल ने, उसी मैच में इन्होंने 55 रन का स्कोर खड़ा किया था, और इसी सीजन में इन दोनों टीमों के बीच जो मैच हुआ था उसी में ये स्कोर इन्होंने बनाया था। बाकी मार्को एंसन के आंकड़े भी कुछ खास नहीं है, पैट्रिक क्रूगर के तो बहुत ही खराब है, लियम डॉसन के भी, साइमन हार्मर के भी, इवन डैनियल वराल के नंबर देखें तो एक हेड टू हेड मैच में 2 विकेट हैं जबकि लोगों ने इनको पिक नहीं किया टीम में। ओटनिल बाटमैन के हेड टू हेड में विकेट तो नहीं है लेकिन मैदान पर 5 मैच 7 विकेट हैं। एडम रोजिंगटन के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं हेड टू हेड वेन्यू दोनों जगहों पर, उसी तरह से बाकी प्लेयर्स का भी देख लीजिए। तो ये जो अभी तक आपने नंबर्स आंकड़े जो भी चीज़ें आपने देखी वीडियो को शुरू से लेकर के प्लेइंग 11 के टाइप तक जो आपने लॉजिकल एनालिसिस सुनी उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके जो टीम बनती है वो आपके सामने है। क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासन 2 विकेट कीपर्स हैं, 3 बैटर, 4 ऑलराउंडर्स और साथ ही साथ 2 बॉलर्स हैं, और इसमें चेंजेस एक्सपेक्टेड बिल्कुल रहेंगे। कप्तान वाइस कप्तान अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, आइडन मार्करम एक अच्छे चॉइस हैं, जे जे स्मर्ट्स
वो एक अच्छे पिक रहेंगे, हमेशा कप्तान है वाइस कप्तान के रूप में। इवन अगर आप जॉर्डन हरमन के साथ जाना चाहें तो उन पर भी एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखना कि कौन सी पिच यूज होगी आज के मैच में, उसकी बेसिस पर ही हमारी फाइनल टीम जो होगी वो बनेगी। और वो फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए लिंक्स को क्लिक करके, और सिर्फ इन्हीं लिंक्स को क्लिक करके ज्वाइन करिएगा जो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, और पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।